पंजाब की संगरूर जेल में कैदियों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक चार कैदियों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दो कैदियों की मौत हो गई। ये चारों कैदी एक ही बैरक के बताए गए। जेल में कैदियों के बीच मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी फौरन पहुंचे। घायल कैदियों को पटियाला के अस्पताल में भर्ती करवाया, जिनमें दो कैदियों की इलाज के समय मौत हो गई। पंजाब के संगरूर में जेल में कैदियों के बीच झड़प होती है, जहां पर चार कैदियों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला बोला, जिसमें दो कैदियों की मौत हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये सभी कैदी एक ही बैरक के बताए गए। जेल में कैदियों के बीच मारपीट की सूचना मिलते ही अधिकारी पहुंचते हैं और घायल कैदियों को पटियाला के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब बात न्यूज 18 के एक ऐसे प्रयास की जो आपको बताएगी कि आपका एक वोट कितना कीमती है। इस बार चुनाव में भाग लेने के लिए आगे आए, अपना मत यूं ही व्यर्थ न गवाएं। आपका प्रतिनिधि ऐसा हो जो देश को बुनियादी रूप से मजबूत बनाए, जिससे कोई मुश्किल भारत के सामने टिक ना पाए। एक ठोस भारत के निर्माण में वो अपना योगदान दे। आपका एक वोट बन सकता है देश के लिए वरदान। न्यूज 18 और बांगर सीमेंट प्रस्तुत करते हैं वोट सॉलिड, देश सॉलिड। जुड़िए हमारे साथ, देश बनेगा सॉलिड आपके वोट से। जितने ज्यादा वोट उतना सॉलिड देश। वोट सॉलिड, देश सॉलिड। टाइल्स जो भी, और इसके बाद तो सिलीगुड़ी में खूब बवाल हुआ। बीजेपी विधायक शिखा चटर्जी सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 33 जाने पर अड़ गईं, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे ही बढ़ने नहीं दिया। शिखा चटर्जी को गिरफ्तार तक करने की कोशिश की गई। खाली एमएलए के अरेस्ट बोलना होगा ना, सबके अरेस्ट होगा। शिखा चटर्जी को जब पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ गया और देखते ही देखते सिलीगुड़ी सियासी जंग का अखाड़ा बन गया। वहाँ विवाद तब शुरू हुआ जब शिखा चटर्जी सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर से मिलने निकली, और मेयर सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 33 से पार्षद है, और इसीलिए शिखा चटर्जी वार्ड नंबर 33 जाना चाहती थी, लेकिन टीएमसी के विरोध पर पुलिस ने उनका रास्ता ही रोक दिया। सबसे पहले शिखा चटर्जी की गाड़ी को रोका गया, और उसके ऐसा करते ही बीजेपी कार्यकर्ता बीच में आ गए, वो पुलिस से उलझ गए। शिखा चटर्जी की गाड़ी को आगे निकालने के लिए उन्होंने पुलिस से धक्का मुक्की तक की, जय सियाराम के नारे भी लगाए गए। बहुत देर तक खींचतान के बाद आखिरकार ये लोग बीजेपी विधायक शिखा चटर्जी की गाड़ी को निकालने में कामयाब रहे, लेकिन इन लोगों के बीच कुछ टीएमसी कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने शिखा चटर्जी की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इस सारी धक्का मुक्की के बीच जब शिखा चटर्जी की गाड़ी आगे निकली तो खूब शोर हुआ और पुलिस वाले सड़क पर दौड़ते नजर आए, क्योंकि बीजेपी विधायक शिखा चटर्जी ने उस इलाके में जाने की कोशिश की जहां मतदान चल रहा था। सिलीगुड़ी का वार्ड नंबर 33 उन्हीं में शामिल था। आरोप लगा कि बीजेपी विधायक ने जबरदस्ती वार्ड नंबर 33 के एक बूथ में घुसने की कोशिश की, और पुलिस ने उन्हें इसलिए रोका, ना कि इसलिए कि वो सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर से मिलने जा रही थी। लेकिन बीजेपी विधायक के समर्थकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे बदसलूकी की। इसकी तस्वीरें भी आई, क्योंकि पुलिस बीजेपी विधायक शिखा चटर्जी को जबरदस्ती हटाने के चक्कर में उन्हें खींचती।